उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव ने रोचक तस्वीरें शेयर की हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। अखिलेश यादव आज उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में सवार हुए हैं और ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें खुद अखिलेश यादव और उनके बच्चे यूपी रोडवेज की बस में बैठे हुए हैं। तो लखनऊ से सैफई जाते समय उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में यात्रा की है अखिलेश यादव ने। पूर्व सीएम अखिलेश यादव के जो बच्चे हैं वो भी बस में बैठे दिखाई दिए हैं, साथ ही अन्य जो यात्री हैं वो भी बस में बैठे हुए हैं। ड्राइवर के निकट आगे की सीट पर अखिलेश यादव बैठे हुए हैं और एक्सप्रेस वे पर ये बस जा रही है लखनऊ से सैफई की ओर। वहीं अखिलेश यादव ने इस यात्रा के दौरान तमाम यात्रियों से बातचीत की और उनसे पूछा कि रोडवेज की बसों में आखिर उनको क्या समस्याएं आती हैं और क्या सुधार की गुंजाइश है। वहीं अखिलेश यादव ने सपा सरकार में बने एक्सप्रेसवे की तारीफ की और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों की जो दुर्दशा है उस पर चिंता भी व्यक्त की। अखिलेश यादव ने कहा है कि सत्ता में अगर समाजवादी पार्टी फिर से आती है तो उत्तर प्रदेश में जो बसों की सूरत है उसको बदलने का काम करेगी। आपको बता दें कि होली का पर्व मनाने के लिए लखनऊ से सैफई पहुंचे हैं आज अखिलेश यादव और इसी सफर के दौरान की ये तस्वीरें।